नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज बायो पार्ट 22। कुछ पौधों के वानस्पतिक नाम, यहाँ हम डिस्कस करेंगे। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा स्टाइवेया है। गेहूँ टेट्रिकम अस्टिवम। मक्का जी मेज। चना साइसर एरिटिनम। मटर पाइजम सटिवम। अरहर कैजनस कजन। सोयाबीन ग्लाइसिन सोजा। मूंगफली रैकिस हाइपोजिया। सेम डॉलिकस लबलब। गाजर डाकस कैरोटा। मूली रैफनस स्टाइविया। सलजम ब्रासिका रापा। चुकंदर बीटा वल्गैरिस। शकरकंद आइपोमिया बटाटस। आलू सोलनम टुब्रोसम। प्याज एलियम सेपा। लहसुन एलियम सटिवम। टमाटर लाइकोपर्सिकम एक्सलेंटम। बैगन सोलनम मेलोंगेना। भिंडी हिबिस्कस इस्कुलेसस। कद्दू कुकुरबिटा पीपो। आम मैग्निफेरा इंडिका। केला मूसा पाराडिसिये का। आंवला एम्बिलिका ऑफिसिनसिस। कटहल ऑटोकॉर्पस इंटरग्रिफोलिया। अलसी लाइनम यूसिटिटेरिसियम। भांग कैनेबिस एस्टाइविया। साल सोरैया रोबास्टा। सीसम डलबर्जिया सीसू। नारियल कोकस न्यूसिफेरा। सूर्यमुखी हेलियंथस एनस। सरसों ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। तिल सीसेम इंडिकम। अंडी रिसिनर कम्युनिस। अदरक जिजिबर ऑफिसिलनल। फलों सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण। पपीता में पीला रंग कैरेक्जेंथिन के कारण। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन के कारण। करेले में कड़वाहट मेमोडिक्रोसाइट के कारण। बेल में कड़वाहट मॉर्मोलोत्सिन के कारण। पीपन में कड़वाहट ओलिकोरेसिन के कारण। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। सलजन में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। पीपर में गंध ओलियोरेसिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तिलहनों का तेल का पीला रंग कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, कवक से पेनिसिलिन बनता है। बेलाडोना से एट्रोपिन जो कि एक दर्द निवारक दवा है। कॉफ़ी से कैफीन एक उत्तेजक है। एपिकॉक से इमैटिन नामक औषधि बनती है। डहेलिया से मधुमेह। पादप सर्पगंधा से एंटीपायोरेटिक औषधि बनती है। तंबाकू से निकोटीन सिंकोना कुनैन नामक दवा बनती है। एफ्रेडा से इफ्रेडिन बनती है। रावोल्फिया से रेजरपाइन बनती है। धूम्रपान तथा मादक पदार्थ देने वाले पौधे, तंबाकू पत्ती से प्राप्त होता है। सुपारी भ्रूण पोष से। भांग गांजा चरस पत्ती से मिलता है। अफीम लैक्टेस से प्राप्त होता है। अफीम को ओपियम भी कहते हैं। पेय देने वाले पौधे, कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। कोको बीज से। गुराना बीज से। कोला भी बीज से। चाय पत्ती से प्राप्त होता है।
कहवा बीज से प्राप्त होता है, पैराग्वे पत्ती से प्राप्त होता है। पेय फसलें और प्रमुख किस्में। चाय, काली चाय, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा हिंदेशिया से। हरी चाय, जापान। उलोंग, ताइवान से। यारबा माटे, पराग्वे से। कहवा अरेबिका। रोबस्टा, लाइबेरिका। माउंटेन कॉफ़ी, जमैका से। मोचा कहवा, यमन से। मसाले देने वाले पौधे। हींग पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। दालचीनी छाल से प्राप्त होता है। लौंग पुष्प कलिका से। केसर पुष्प वर्तिका से। मेथी पत्ती और बीज से। इलायची फल से। हींग का उपयोग औषधि और पाचक के रूप में किया जाता है। दालचीनी का मसाला, लौंग का मसाला के रूप में, केसर रंजक एवं सुगंध के रूप में, मेथी मधुमेह मसाला के रूप में, इलायची पेट दर्द पान मसाला के रूप में। रेशे देने वाले पौधे। जूट पादप के फ्लोएम भाग से प्राप्त होता है। इसका उपयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में होता है। कपास बीज के बाहरी भाग का रोम से प्राप्त होता है। इसे का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। अलसी तना के पेरिसाइकल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में होता है। भांग फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रस्सी और बोरा बनाने में होता है। नारियल फल के मध्य भित्ति से प्राप्त होता है। गद्दा पायदान आदि बनाने में होता है। मूंज सन फ्लोएम से प्राप्त होता है। इसका उपयोग रस्सी बनाने में होता है। औषधि देने वाले पौधे। कुनैन पौधे के छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग मलेरिया की दवा बनाने में होता है। बेलाडोना पत्ती तना से प्राप्त होता है। इसमें एट्रोपिन नामक क्षार पाया जाता है जो कि दर्द निवारक होता है। यह आँखों की पुतलियाँ फैलाने में उपयोगी है। ब्राह्मी यह पौधे के पत्ती से प्राप्त होता है। यह एक टॉनिक स्मरण शक्ति बनाने में होता है। अश्वगंधा यह पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है। सर्पगंधा यह भी पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। इसमें रिस्पॉस सर्पेंटाइन नामक क्षार पाया जाता है। यह सर्पदंश उच्च रक्तदाब में उपयोगी है। अफीम यह पौधे का फल है। मॉर्फिन नामक क्षार इसमें पाया जाता है। कुचला फल या बीज से। यकृत पीलिया लकवा अल्सर त्वचा रोग में उपयोगी है। धान्य फसलें। सीरियल क्रॉप्स गेहूं चावल और मक्का। पादप का दाना भाग होता है। इसमें पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। जौ रई राई इसमें दाना से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। दाल देने वाले पौधे। अरहर मसूर चना ये बीज पत्र होते हैं। प्रोटीन इसमें होता है। राजमा मटर उड़द मूंग में भी प्रोटीन होता है। ये भी बीज पत्र से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन भी बीज पत्र है। प्रोटीन एवं वसा इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। सब्जी देने वाले पौधे। मूली गाजर जड़ है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। चुकंदर जड़ से प्राप्त होता है। शर्करा प्रोटीन विटामिन खनिज इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। शकरकंद यह भी एक जड़ है। इसमें शर्करा और स्टार्च होता है। आलू तना है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इसमें मिलता है। अरबी तना है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इसमें मिलता है। फल देने वाले पौधे। अनार विटामिन और खनिज का अधिक मात्रा में मिलता है। पपीता विटामिन ए बी सी कैल्शियम आयरन फास्फोरस तथा प्रोपेन एंजाइम मिलता है इसमें पेपेन एंजाइम। केला में विटामिन ए बी सी खनिज शर्करा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अंगूर शर्करा और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। अमरूद में विटामिन सी बी और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बेल विटामिन कार्बोहाइड्रेट और खनिज का बहुत अच्छा स्रोत है। संतरा और नींबू विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। सेब खनिज विटामिन शर्करा लोहा और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। नाशपाती विटामिन प्रोटीन खनिज लोहा का अच्छा स्रोत है।
आम कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। शरीफा विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है। लीची कार्बोहाइड्रेट और शर्करा का अच्छा स्रोत है। दृढ़ फल देने वाले पौधे, बादाम बीज पत्र से प्राप्त होता है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। नारियल भ्रूणपोष से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन और वसा होता है इसमें। मूंगफली बीज है, वसा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होता है इसमें। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से बचाया जाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? हाइड्रोजन। सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है? पवन चक्की से। ओजोन स्तर का क्षय करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉग में होता है हाइड्रोकार्बन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाता है NO2, O3 और पैन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान NWERI है नागपुर में। निम्न में कौन सत्य है? शीशा से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होता है। कैडमियम रक्तचाप बढ़ा होता है। पारा से मिनीमाटा नामक रोग उत्पन्न होता है। सभी सही हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ता है? सल्फर डाइऑक्साइड से आँख में जलन होती है। हाइड्रोकार्बन से कैंसर नामक रोग उत्पन्न होता है। टेट्राइथाइल लेड TEL से हेमोग्लोबिन का निर्माण रुक जाता है। सभी। जल किन कारणों से प्रदूषित होता है? कूड़ा करकट वाहित मल इत्यादि के द्वारा, कृषि में कीटनाशी का उपयोग से, साबुन एवं अपमार्जक के उपयोग, सभी से। प्रदूषित जल में BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होता है। DDT उत्पादक में से उपभोक्ता में प्रवेश करता है तब उसका सांद्रण बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है 50 डेसिबल से अधिक। विकिरण प्रदूषण उत्पन्न करता है कैंसर रोग उत्परिवर्तन दोनों। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकता है सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, हृदय संबंधी रोग, सभी। जल में तेल की मिलावट से जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड फसल के उत्पादकता को कम करता है। अम्ल वर्षा से मृदा तथा जलाशय प्रदूषित होते हैं। अम्ल वर्षा संगमरमर को प्रभावित करता है। सभी सही हैं। सूर्य के किरणों में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रोग हो जाता है त्वचा कैंसर। आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।